बनाना, सुविधाजनक बनाना, सुगम बनाना, यानी कोई भी चीज जो मेरे जीवन को आसान बनाती है, कोई भी चीज वो इनोवेशन है, कोई भी चीज जो मेरे जीवन को सरल बनाती है वो इनोवेशन है। अगर अब लेकिन हम इनोवेशन की प्रोसेस क्या है, इनोवेशन की प्रक्रिया क्या है, इनोवेशन का पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले तो हम ये समझें, ये पहचानें कि कौन से हमारे जीवन में असुविधाएं हैं, हमारे जीवन में समस्या क्या है। जैसे आप लोग अभी कह रहे हो कि सर बस आ रही है ना, वहां पे जाना है, तो हमें 1 बजे हमारी बस होती, कॉलेज के टाइमिंग्स तो 3 बजे तक है, लेकिन हमारी बस 1 बजे छूट जाती, तो हम उसके बाद में कोई साधन नहीं मिलता। लेकिन अब अब इनोवेशन क्या होगा, मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूं, मैं देखता हूँ कि सबके साथ ये प्रॉब्लम है, किसी की क्लास 2 बजे तक है, किसी की 3 बजे तक है, लेकिन मैं तो 1 बजे जाऊंगा क्योंकि मेरे पास बस है नहीं, मुझे 12 बजे बस है, तो मैं अगर कोई प्रोग्राम होगा 12 बजे तक, तो मैं नहीं रुकूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये समस्या, मैंने समस्या को आइडेंटिफाई किया, पहले समस्या को पहचाना, फिर समस्या का हमने विश्लेषण किया, कैसे मैं इसको सुलझा सकता हूँ, इस समस्या से ही मैं एक नया बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ, कैसे मैं एक बस सर्विस शुरू करता हूँ, मैं मान लो 1-2 बस मैंने ले ली, बस सर्विस शुरू करी, मैं सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को वो बस उनके स्थान तक छोड़ के आएगी और उनको उनको ऐप के थ्रू वो बस बुक हो जाएगी, तो वो क्या हुआ, वो एक स्टार्टअप हो गया, यानी इनोवेशन से ही स्टार्टअप खुलते हैं। इस तरह के विचार से, मतलब पहले सबसे पहले क्या है कि मैंने समस्या को समझा, समस्या को पहचाना, उसके पहले समस्या को पहचानना जरूरी है, कौन सी चीज हमारे जीवन में असुविधा क्रिएट कर रही है, जैसे ईयरबड्स वाले ने सोचा कि ईयरफोन हमारे जीवन में असुविधा क्रिएट कर रहा है, मैंने तार लगाया यहां से मोबाइल से अटैच कर लिया, लेकिन पहले असुविधा को हमने पहचाना, फिर हमने उसका सॉल्यूशन निकाला, है ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो और ये जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से पहले आप समस्या को पहचानिए, फिर उसका आप सॉल्यूशन खोजिए। अब दूसरी चीज आती है, आपने एक तो मैंने आपको शब्द बताया इनोवेशन, दूसरा शब्द कौन सा है, स्टार्टअप। तो स्टार्टअप का अर्थ क्या होता है, स्टार्टअप का मतलब होता है कोई भी व्यवसाय यानी बिजनेस, लेकिन उसमें 2 चीजें होनी चाहिए, वो इनोवेशन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, इनोवेशन आइडिया को लेकर चलना चाहिए, और वो नया होना चाहिए यानी वो पुराना नहीं होना चाहिए। तो जो ये 2 कंडीशंस पूरी करेगा वो क्या है, स्टार्टअप। मैंने किराने की दुकान खोल ली, ये स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप नहीं, स्टार्टअप है जो मैंने जैसे आपका जो ओला ऐप है, ओला ऐप से क्या आपको करना, कितने हो गए भाई, 100 से ज्यादा स्टार्टअप आज इंडिया में है जिनका व्यवसाय $1 अरब से अधिक है, ठीक है। तो अच्छा कुछ अच्छा, अब आपको जो है ना, आपके जो आदर्श हैं, जो आपके आइडियल्स हैं, वो आपके वो लोग होते हैं जो IAS बन जाते हैं, जो RAS बन जाते हैं, लेकिन आपके आइडियल्स आज वो होने चाहिए, जो वो भी आपके आइडियल्स होने चाहिए जिन्होंने स्टार्टअप खोली, जिन्होंने नौकरी नहीं चुनी, उन्होंने नौकरी, वो नौकरी देने वाले बने। आपको मालूम होना चाहिए फ्लिपकार्ट किसने खोला है, सचिन बंसल ने, ओयो रूम्स किसने खोला है, रितेश अग्रवाल ने, और बायजू किसने खोला है, बायजू रविंद्रन, उन्होंने बायजू खोला है। इस तरह से ये आपके नए आदर्श होने चाहिए, इन लोगों ने ये नौकरी चाहते तो नौकरी वाले बन सकते थे, लेकिन इन्होंने स्टार्टअप खोलना बेहतर सोचा। एक स्टार्टअप खुलता है तो कितने लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है। एक चीज आपको और मालूम होनी चाहिए कि IPR के बारे में किसी ने सुना है, कुछ वर्ड्स आपको जरूर मालूम होने चाहिए, कुछ वर्ड्स आपको। IPR क्या होता है, IPR होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और इस पर आप देखोगे खूब कॉन्फ्रेंसेज और खूब वो की जाती है। तो यानी हिंदी में बौद्धिक संपदा अधिकार। तो बौद्धिक संपदा अधिकार कितने तरह के होते हैं, सुना पेटेंट, कभी पेटेंट क्या होता है, अच्छा अगर आपने कोई चीज डेवलप करी, मान लो मैंने ये ईयरबड्स डेवलप किए, तो मैं उस पर क्लेम करूंगा ना कि ये मैंने, मेरी खोज है, मुझे कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, ये थोड़ी दूसरा मेरे नाम से बना ले। तो अगर आपने जो भी आपकी बौद्धिक कृति है, जो भी आपकी रचना है, आपने कोई आर्टिकल लिखा, आपने कोई खोज करी, वो सब क्या है, वो सब है आपकी आपकी क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी पर जो अधिकार होता है वो क्या, वो किससे प्रोटेक्ट होता है, IPR से। तो IPR बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, शॉर्ट में आपको ये पता होना चाहिए ताकि आगे IIC में जो हम प्रोग्राम करवाएंगे वो आपको तब आपको मालूम है। IPR क्या क्या होता है, एक तो होता है कॉपीराइट, उसमें क्या होता है,
कोई भी रचना, आपने कोई आर्टिकल लिखा, आपने कोई संगीत बनाया, आपने कोई भी कलाकृति बनाई, वो कॉपीराइट हो गया। उस पर कितना प्रोटेक्शन मिलता है आपको? अगर आप उसको रजिस्टर करा लेते हो तो आपके जीवन पर्यंत तक आपका उसका अधिकार रहता है, और उसके भी 60 साल बाद तक उसका अधिकार, आपके मरने के 60 साल बाद तक आपका कॉपीराइट चलता है। और अगर आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हो तो 20 साल तक आपका उस पर राइट रहता है, उसे कहते हैं पेटेंट। प्रोडक्ट डेवलप करोगे तो बोलते हैं पेटेंट, और अगर आपकी कोई कलाकृति है, कोई रचना है, तो उसको बोलते हैं कॉपीराइट। और तीसरी चीज होती है ट्रेडमार्क, व्यापारिक चिन्ह, जैसे टाटा का चिन्ह है, तो इस पर भी अधिकार मिलता है। इस तरह से ये आईपीआर होता है। अच्छा, जो इनोवेशन पॉलिसी है, अभी